आशु यही नाम है उस व्यूअर का जिन्होंने ये सवाल मुझसे बार बार किया है और आज का ये सवाल स्प्रेडशीट और डेटाबेस दोनों को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और ये एक्सेल का 2019 वर्जन मैंने ओपन कर रखा है, दोनों ही 2019 वर्जन है। अब इसमें इन्होंने सवाल क्या पूछा है, देखिए सवाल इसके पहले भी मैंने बहुत बार क्लियर किया है इस सवाल को, और सवाल कुछ इस तरह का है कि यहां पे लिखा हुआ है रोल नंबर। अब कोई पर्टिकुलर क्लास है उसमें अगर 10 बच्चे हो तो 10 बच्चों का रोल नंबर अलग अलग होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक क्लास में एक बच्चे का रोल नंबर जो है वही दूसरे बच्चे का होगा, और रोल नंबर अलग हो सकता है। हाँ, उसी क्लास में पढ़ने वाले 2, 3 या 4 बच्चों या 10 बच्चों का नाम एक हो सकता है, लेकिन रोल नंबर तो अलग होगा, ठीक है। अब यहां पर एक्सेल मैंने यूज किया है, यहां पर अगर मैं लिखता हूं रोल नंबर 1, ठीक है, फिर यहां लिखता हूं रोल नंबर 2, ठीक है। अब इनेबल फिल हैंडल है तो यहां से हम इसको ड्रैग भी करवा सकते हैं, तो ये रोल नंबर यहां फिट हो गए। अब यहां पर नेम लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं राम, ठीक है, और ये लिख देता हूं श्याम, आ रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं गौरव, यहां पे लिखता हूं राजू, इसी तरह से पिंकी, नाम भी आ चुका है और ये रोल नंबर भी है। तो रोल नंबर अलग अलग है, ये स्टूडेंट जो है अलग अलग है, भले नाम एक ही है तो क्या हुआ, लेकिन स्टूडेंट ये अलग अलग है क्योंकि इनके रोल नंबर अलग अलग हैं। अब क्या ये पॉसिबल है एक्सेल में कि हम यहां पर ऐसा कुछ करें कि इन बच्चों का रोल नंबर एक हो जाए, क्या एक्सेल में ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं एक बार, देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहां पर रोल नंबर 1 राम है, क्या रोल नंबर 1 श्याम भी हो सकते हैं क्या, तो यहां पर मैं रोल नंबर 2 हटा देता हूं, 1 लिख देता हूं। एक्सेल ने बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं किया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में एक्सेल ने इसका कोई विरोध नहीं किया और एक्सेल ऐसा मान के चल रहा है कि जो आप टाइप कर रहे हैं वो सही है, बात को समझिएगा। अब यहां पे रोल नंबर 3 गौरव है, तो क्या रोल नंबर 3 राजू का नहीं हो सकता, तो यहां से हटा दीजिए, यहां पे 3 लिख दीजिए, तो भी ये यही समझेगा जो एक्सेल है वो यही समझेगा कि आप एंट्री कर रहे हो, आप जानो आप, ये सही है, ठीक है। तो ये है एक्सेल। अब यहां पर आप कोई भी प्राइमरी की नहीं बना सकते, मैंने बताया था उस समय भी और ये बार बार सवाल पूछ रहे थे कि ये एक्सेल में कैसे प्राइमरी की बनाएंगे, तो एक्सेल में कोई भी प्राइमरी की नहीं होती है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें की नहीं बना सकते आप, यहां पर कीज नहीं होती है। अब यही बात करें एक्सेस की, तो यहां पर देखिए एक्सेस ओपन किया, अब यहां पर देखिए एक्सेस ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहां पर चलता हूं व्यू पर, ये एक्सेल का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर आए और यहां पर डिजाइन व्यू पे आ गए। अब डिजाइन व्यू पे अब इस टेबल को क्या नाम देंगे आप, तो मैं यहां दे देता हूं स्टूडेंट डी, डी यानी डिटेल, स्टूडेंट डी कर देता हूं, तो ये स्टूडेंट डिटेल। अब ये डिजाइन व्यू में खुल चुका है, अब इसका डिजाइन आप करिए ना, यहां पर लाइक रोल नंबर कर दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक की दिखाई पड़ेगी, एक चाबी सी दिखाई पड़ेगी, और ये चाबी सी दिखाई पड़ने का मतलब ये है कि ये प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इसने प्राइमरी की असाइन कर दी है इसको, रोल नंबर को, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे नेम लिख देता हूं, दो ही चीज लेंगे हम क्योंकि वहां पर भी दो ही लिया था, और ये नेम ले लिया, तो नेम को हम कोई और डेटा टाइप रख सकते हैं, यहां से आपको बहुत सारे डेटा टाइप मिल जाते हैं। अब ये डेटा टाइप क्या होते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया था, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। अब देखिए ये दोनों हमने ले लिया, अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आएंगे, तो यहां पे देखिए जो रोल नंबर एक बार आप दे देंगे उसको दोबारा नहीं दे पाएंगे। अब देखिए ये ऑटो नंबर लिया हुआ है हमने, इसको मैं यहां से चलता हूं नंबर कर देता हूं, ये जो ऑटो नंबर है ना इसको मैं नंबर कर देता हूं यहां से, यहां पर जाकर के और इसे नंबर बना देता हूं। अब इसको व्यू पे क्लिक करके इस तरह से करते हैं, तो ये अब देखिए अब यहां पर रोल नंबर आ रहा है, तो किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है, उसका नाम राम है, यहां पर लिख दिया राम, ठीक है। किसी बच्चे का रोल नंबर 2 है, उसका नाम श्याम है, ठीक है। किसी बच्चे का रोल नंबर 3 है, उसका नाम सुनीता है, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, ये देखिए ये हो गया। अब क्या पॉसिबल है कि रोल नंबर 3 को हम दोबारा से रिपीट करें, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड हियर, क्यों, क्योंकि इसे हमने प्राइमरी की बना दिया। और इस तरह की कोई भी फैसिलिटी आप देख सकते हैं एक्सेल में आपको नहीं मिलेगी, प्राइमरी की आप एक्सेल में नहीं असाइन कर सकते, एक्सेस में ही प्राइमरी की होती है, एक्सेल में नहीं होती। अब देखिए यहां पर मैंने 3 कर दिया, यहां पे आए और यहां पर कोई और नाम दे देते हैं किसी और बच्चे को, या सेम ही नाम दे देते हैं तो क्या होगा, जैसे लाइक सुनीता का 3 था तो यहां पे सुनीता दोबारा से लिख देता हूं, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या ये सेव करेगा इसे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे सेव पे तो ये कहेगा द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू। ये तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक कि आप ये हटा नहीं देते, रोल नंबर 3 नहीं हटा देते,
अब यहां पर आप क्लिक कीजिए, कहीं भी क्लिक कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे काम, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और दोनों ही के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर है, देख सकते हैं आप, यहां पर बिल्कुल क्वाइट क्लियर डिफरेंस है। यहां पर कोई भी की असाइन करने की कोई भी जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई भी की आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, की फैक्टर होता ही नहीं है इसमें। और यहां पर आपको की मिल जाएगी, लाइक प्राइमरी की हमने बना दिया और ये फॉरेन की है। फॉरेन की का मतलब है कि आप नेम रिपीट कर सकते हो और रोल नंबर रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया ना, तो यहां पे 4 कर दिया, तो अब ये अलाउड है, अब आगे बढ़ सकते हैं आप। 5 कर देंगे, अलाउड है, आगे बढ़ सकते हैं आप। नाम भले ही रिपीट कर लीजिए आप, जैसे मान लीजिए सुनीता दो बार लिखा, ये तीसरी बार मैं लिख देता हूं, हो सकता है एक क्लास में 3, 4, 10, 20 बच्चे, 50 बच्चे एक नाम के हो, ठीक है, तो ये रिपीट हो सकता है, लेकिन आप रोल नंबर को जिसे प्राइमरी की बना दिया आपने, आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप नेम को प्राइमरी की बना देंगे तो आप नेम को भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर मैं इसे हटा देता हूं, लाइक ये देखिए, ये यहां से इसको हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कुछ अलग, यहां पे लिख देता हूं जोया, ये जोया लिख दिया, और यहां पे सुनीता लिखा हुआ है, तो इसको भी हटाता हूं। अब यहां पे क्या लिख देता हूं, हीना लिख देता हूं, HEENA, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब देखिए इसको सेव कर दिया मैंने, अब सेव कर दिया, अब मैं चलता हूं वापस से व्यू पे, ये व्यू पे आ गए। अब देखिए ये जो हमने बनाया था प्राइमरी की, अब इसको हटा देता हूं, इस पे प्राइमरी की लगा देता हूं मैं, तो ये देखिए अब ये प्राइमरी की बन गया। तो क्या रेपिटेशन यहां अलाउ है? देखिए रोल नंबर में रेपिटेशन अलाउ है, लेकिन इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए रोल नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहां पर आता हूं, क्या हम जोया को दोबारा रिपीट कर सकते हैं? यहां पे जोया लिखा हमने और यहां पे रोल नंबर देता हूं, देखिए यहां पे रोल नंबर 6 कर देता हूं। अब यहां पर आता हूं, ये देखिए यहां पर भी रेपिटेशन अलाउ नहीं होगा, जिसको आप प्राइमरी की बना देंगे वहां रेपिटेशन अलाउ होगा ही नहीं, और ऐसी कोई सुविधा आपको एक्सेल में नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं ये एक्सेल है और ये एक्सेस है। तो आई होप कि ये डिफरेंस जरूर क्लियर हो जाएगा आपका, कि ये क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी की में, एक्सेल में क्या डिफरेंस होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।